मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आग लगने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी के मुताबिक कृष्णा स्वीट हाउस की दुकान में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से डाक खाने पर स्थित कृष्णा स्वीट हाउस की दुकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहाँ टैंकरों के द्वारा पानी डाल डाल आग बुझाने का काम किया गया। इस दौरान भारी क्षति का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौके पर दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए। आज छत्रसाल चौक के पास कृष्णा स्वीट्स है, यहाँ पे अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। अभी आग पे स्थिति नियंत्रण में है और आग पे काबू पा लिया गया है। लगभग कितनी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए? अभी कारण पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे जन सहयोग से नगर पालिका पुलिस और प्रशासन की टीम थी और जनता के सहयोग से हमने आग पे काबू पा लिया है। हाँ, यहाँ पर चूँकि स्वीट्स की दुकान है और सिलेंडर्स रखे हुए थे, उनमें विस्फोट की आवाज़ आई है। अभी चूंकि अब भी जब हमने आग पे कंट्रोल किया तो स्थिति का पता लगाते हैं, कितना क्या नुकसान हुआ है, क्या कितने सिलेंडर फटे हैं। जी कितनी फायर ब्रिगेड बाहर से आई है? आसपास के क्षेत्र की हमने सारी फायर ब्रिगेड बुलाई हुई थी, इसमें नौगांव, गढ़ी मलहरा, सटई, आसपास के थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारी भी आए हुए हैं। जी इतनी आग भड़की है, क्या मानते हैं फायर ब्रिगेड ना आने का नतीजा है आग ने इतना काबू पाया? फायर ब्रिगेड सही समय पर आ गई थी, चूंकि आग लगती है और जी जब तक फायर ब्रिगेड आ रही थी तब तक यहाँ पे पुलिस, जनता और सभी अधिकारियों ने अपनी बाल्टियों हाथों से पानी डालकर स्थिति पर नियंत्रण में लाए थे।